सारण में जन स्वराज संगठन विस्तार महाअभियान का आगाज। जिले में संस्थापक सदस्यों की संख्या 60,000 के पास। जन स्वराज सारण जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सारण जिले के सभी प्रखंड संचालन समिति के मुख्य पदधारकों के नामों की घोषणा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित पदधारकों को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले में पिछले कुछ समय से जन स्वराज को लगातार मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। बता दें कि जिले में जन स्वराज अभियान को मिल रहे व्यापक जन समर्थन के फलस्वरूप वर्तमान में जन स्वराज से जुड़े संस्थापक सदस्यों की संख्या 60,000 से अधिक हो चुकी है। साथ ही जिले के कार्यवाहक समिति का गठन भी हो चुका है, जिसकी शुरुआत जिले के 200 प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ की गई, जिसके बाद जिला यूथ कार्यवाहक समिति का भी गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 151 थी, जिसके बाद में जिला कार्यवाहक समिति में विलय कर दिया गया। इस क्रम में प्रखंड स्तर पर हर प्रखंडों में 101 प्रमुख लोगों की प्रखंड स्तरीय समिति बनाने के काम को सुचारू रूप से संपन्न किया जा चुका है, जिससे जिले के साथ साथ प्रखंडों के स्तर पर भी संगठन को मजबूती मिल रही है। यात्रा के बाद विभिन्न तरीके से जो हमारे संस्थापक सदस्य थे, इस संख्या जिला में 60,000 से संस्थापक सदस्य के रूप में जिला में। इसके अलावा कार्यवाहक समिति की जो गठन हुई है जिला कार्यवाहक समिति की गठन, उसमें 201 युद्ध के कार्यवाहक में भी 151 लोग हैं, और बाद में उसका विलय जिला कार्यवाहक समिति ने कर दिया है। युद्ध का इस तरह उसकी संख्या 351 हो गई जिला कार्यवाहक समिति की संख्या। युद्ध दोनों मिलाकर 300 इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर हर प्रखंड स्तरीय 101 लोगों की समिति बनाई गई है। हर प्रखंड में 20 प्रखंड हमारे यहाँ है। इस तरह 2010 सदस्यों की संख्या 2000 हो गई है। हर प्रखंड में 101 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें 2000 की संख्या इसकी हो गई। और जन सुराज की भूमिका संगठन की मजबूती के लिए शांति जी ने हर प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर ठीक है यूथ क्लब अम्बेडकर क्लब का गठन किया गया है, जिसमें